चलें जी, अब हम लेते हैं टर्न और पहुंच गए हम जिमीज बर्गर। इग्नोर माय गूगल मैप, इसको आदत है बातें करने की मेरी तरह, सो इसको प्लीज इग्नोर करें। और ये है हमारा जिमीज ग्रिल। मेरा पर्स है, इसको ले जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम कुछ खा नहीं सकते। आइए आप, अब हम चलेंगे जिमीज ग्रिल, देखते हैं कैसे है इनका खाना। होपफुली अच्छा निकले क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकती, झूठ बोल के मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो काइंडली जिमी, हमें मायूस नहीं कीजिएगा। ये टाइमिंग्स हैं जिमी की, एंड दिस इज द एंट्रेंस। रेडियो आज़ाद, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इनकी एंट्रेंस। टुडे स्पेशल चरगा बघारे बैंगन एंड मटन, आई डोंट वांट टू से दैट। चलिए जी आ जाओ, थैंक यू सो मच। ये भी पहुंची मेरी दोस्त, और अब मैं जरा आराम आराम से बात करूंगी क्योंकि शायद देयर इज अ थिंग। हाय, दिस लुक्स नाइस। चलो जी, ये हमारा हो गया मेन्यू। लेट्स सी, एपेटाइजर्स, चिकन बर्गर्स, विंग्स, ये एक मेन्यू, और ये पीछे पहुंचा दूसरा मेन्यू, बिरयानी, रोटी, देसी चाइनीज। यार अमरीन देसी चाइनीज खाते हैं, व्हाट डू थिंक? अमरीन का सड़ा हुआ मुंह देख के मुझे समझ आ गई उसने देसी चाइनीज नहीं खाना। नहीं, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, कुछ कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। लेट्स सी। यार मुझे लग रहा है वैसे हम चाउमिन ट्राई कर सकते हैं, इधर चिकन, हम लोग चिकन का मजे का होगा। और अगर हमें देसी कुछ खाना है, सो व्हाट डू यू रेकमेंड टू ईट? यार ग्रिल करते हैं, ग्रिल में इतना कुछ है लेकिन हम फिर भी देखते हैं। इनके सीख कबाब मजे के थे, मलाई बोटी भी अच्छी। मैं आज आई इस खातून की वजह से हूँ इधर, वरना मैंने कहीं और जाना था, लेकिन इन्होंने कल कहीं जाके इनका खाना खाया। शी वाज वेरी इंप्रेस्ड। फंडरेजिंग डिनर था मस्जिद का, मुफ्ती मुदस्सर आए थे फ्रीमोंट से, तो इनको बहुत पसंद आया। एंड शी आस्क्ड मी कि लेट्स हैव अ ट्राई, सो दैट्स व्हाई हम दोनों खवातीन आपको इधर नजर आ रही हैं आज। लेट्स सी, ऐसी जगह पे लोग फैल जाते हैं, फैलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। लेट्स ट्राई चिली चिकन विद, नहीं कौन सा, वी वर डूइंग द चाउमीन एक्चुअली। हां चाउमीन, चिकन चाउमीन, राइट? वन चिकन चाउमीन, फॉर चिकन चाउमीन इज फाइन, राइट? सूप पीना, यू डोंट वांट सूप? अच्छा अच्छा, ऊपर चल, नहीं इसको भी चलने देना, इनको भी पता चले हम क्या क्या बात करते हैं। हम सिर्फ ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी ऐसी लंबी तकरीर। आज हमने लंबी तकरीर वाली ब्लॉग बनाई है, तो अगर आप तंग आ गए हैं काइंडली तब भी सुनते रहे, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये क्या खाना है? शीश कबाब खाना है, तुमने नान खाना है, चिकन कढ़ाई खानी है, शिनवारी, शिनवारी गोट कढ़ाई खाते हैं ना इनकी, देट विल बी नाइस। नीचे ये हमारे पास बाजी आई, कहती आपको ऑर्डर दे, मैंने कहा बाजी पता नहीं देख लूं मेरे बात। चलिए जी, अब आ गया हमारा खाना, नोश फरमाइए। दिस इज आवर चिकन चाउमीन। जितना ये शक्ल से खूबसूरत लग रहा है, यकीन करें I couldn't stop myself from this chicken chow mein. It's very, 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 very yummy chicken chow mein. Bahut fresh tha. Garden salad. Ke baghair khana nahi hota. Aur saath humne order ki thi shinwari kadhai. Being a Pathan, I always want to try shinwari kadhai. Lekin inki achhi thi. Par mujhe chow mein zyada achha laga. Dono cheeze achhi thi. This was the garlic naan
एंड साथ ही हमने खाया ये सब कुछ। खाने का हमने थोड़ा इंतज़ार किया था, बट आई फील जब आप खाना खाते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपके इंतज़ार वर्थ था, क्योंकि द टेस्ट। और ये मेरी दोस्त का मेरा फेवरेट पर्स। चले जी आप देखें, दिस इज़ ऑल वी आर हेयर फॉर एंड लेट्स एंजॉय आवर फूड। चलिए दिस इज़ हाउ चाउमीन लुक्स। लग बहुत यमी रहा है, लेट्स सी। इवन जो आप ओवरऑल टेक्सचर इज सो गुड टू। चलिए जी आगे हमारी मैंगो लस्सी। आप एक देसी रेस्टोरेंट जाएं और वहाँ पे आप मैंगो लस्सी ना पिए तो ऐसा लगता है आपके पैसे हलाल नहीं हुए। मैंने अपने पैसे हलाल कर दिए। वैसे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, कल मेरा ऊबर वाला मेरा खाना लेके भाग गया और वो भी मैंने उसको खाने नहीं दिया। तो हो नहीं सकता। हाय बहन ना पूछ। ऊबर वाले ने, मैं मीटिंग में थी एंड ही जस्ट पुट अ नोट डिलीवर्ड। मैं जैसी मीटिंग से उठी मैंने चेक किया और मैंने अपने फ्रंट डेस्क पर सबसे पूछा कि भाई कुछ आया? उन्होंने कहा नहीं। आई कॉन्टेक्टेड ऊबर, उन्होंने कहा कि येस ही ट्राई टू रीच यू आउट बट यू वर नॉट देयर एंड आवर पॉलिसी इज कि अगर तुम 5 मिनट तक जवाब ना दो तो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है एंड वी कैन नॉट रिफंड यू। बस फिर तो उठा मेरा पठानी खून अंदर से जोश मारता हुआ। मैंने सुना दी, मैंने कहा भाई बात यह ना कि तुम लोगों के ड्राइवर ले जाते हैं फूड भगा के, एंड वेयर आर माई राइट्स? ये राइट्स रिजर्व होने चाहिए कि अगर तुम लोगों का ड्राइवर झूठ बोल दें कि वो खाना लेके भाग गया है तो भाई मैं यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं बांट रही कि वो उठ के मेरे हार्ड अर्न मनी लेके भाग सकता है। ओके फिर खैर उनसे मेरी तकरीबन आधा घंटा बहुत बहस हुई। आधे घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा सिस्टम डाउन है लेकिन विद इन 48 आवर्स आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। और ऐसे मतलब मैंने उनसे कहा अगर आप चाहते हो आई कैन पुट इन माय कैमरास कि तुम्हारा कोई बंदा आया नहीं, मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट किया नहीं, ना कोई मुझे मैसेज आया, लेकिन स्टिल नहीं हमारे बंदे के मुताबिक किया हुआ है। खैर आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, इट्स ओके, आप सुनते रहें। यहाँ पे अमेरिका में ये सब भी होता है, यहाँ भी चोर होते हैं, यहाँ भी लुटेरे होते हैं, सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं होते। आते हैं हम अपनी ट्रेडिशनल और रिवायती शिनवारी कढ़ाई पे। बहुत से लोग इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं, लेकिन आई विल टेल यू कि जो शिनवारी कढ़ाई हमारे पश्तून कम्युनिटी में बनती है दैट इज़ द रियल एंड ट्रेडिशनल। सो लेट्स सी एज फार एज इन्होंने जस्टिस किया है शिनवारी के नाम के साथ कि नहीं। मेरी दोस्त ने बहुत तारीफ़ की है, आई होप तो उसकी तारीफ वाकई मैं भी कर सकूँ, बिकॉज आप सबको पता है कि मेरे पिछले व्लॉग्स में भी मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं होना किसी ने। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दीज ब्लॉग्स आर नॉट टू डीफेम अ बिजनेस, इट्स जस्ट टू गिव देम अ क्विक आइडिया टू इम्प्रूव। अगर एक चीज़ हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल वो है और उस पर मैं झूठ बोल दूंगी कि यस दिस इज़ अ वेरी गुड शिनवारी, तो ट्रस्ट नहीं कि लोग मुझे कहेंगे कि भाई इसने अपने कल्चर के साथ ही झूठ बोला है। तो आइए ट्राई करते हैं। बट आई कुडंट स्टॉप माई हैंड फ्रॉम द चाउमिन, विच इज़ टू गुड। लाइक चाउमिन थोड़ा सा ठंडा हो गया, शायद वो वेट कर रहे थे कढ़ाई और चाउमिन साथ लाने के लिए, बट ओवरऑल इट वॉज गुड। लेट्स गिव इट अ ट्राई टू दिस कढ़ाई। इट्स गुड, अच्छी बनी हुई है नो डाउट, पर वही पेशावर की बात तो पेशावर में ही होती है। आई कैन नेवर कंपेयर, लेकिन ओवरऑल मैंने अभी तक जितनी अच्छी कढ़ाइयाँ खाई हैं आई कैन कॉल इट अ गुड कढ़ाई इफ यू आर लुकिंग फॉर। और प्लीज डू ट्राई जिमीज बर्गर। नाम बर्गर है पर काम इसके बर्गर से ज़्यादा के हैं। थैंक यू, लेट्स सो काइंड ऑफ देम, क्योंकि मेरा ये जो मैंगो लस्सी आई थी ये गर्म थी, मैंने इनसे कहा प्लीज़ इसको ठंडी कर दें और वो दोबारा आई पूछने के लिए, दैट इज़ सो काइंड ऑफ हर। द एम्बियंस इज़ गुड, द सर्विस सीम्स गुड। थोड़ा सा वेट किया लेकिन कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, हमारे सबर का फल गर्म निकला। हम लोग खाना इन्जॉय कर रहे हैं और आई होप आप भी हमारी बातें इन्जॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। हाँ जी हम फिर आ गए आप लोगों की खिदमत में हाजिर होके। द रीज़न आई एम हेयर क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे मैंने अभी अपने जॉब प्लेस के लिए आई ऑर्डर्ड सम फूड बिकॉज हमारी 22nd को एक विंटर ब्रेक की पार्टी है और ये है उसका बिल, जिसकी कॉम्प्लीमेंट में इन्होंने हमें खीर भी दे दी। चाय तो इनकी अच्छी थी एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल। प्लीज़ 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 इनसे ऑर्डर कीजिए।